नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रे मैटर्स के अंदर और हमारी यूट्यूब प्लेलिस्ट हाउ टू मेक अ टेलीग्राम बॉट के 6th एपिसोड के अंदर। हमारे आज के इस एपिसोड में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने टेलीग्राम बॉट को बनाने के लिए उसकी गिटहब रिपोजिटरी को कैसे ढूंढ सकते हैं और मैं कौन सा तरीका इस्तेमाल करता हूँ कोई भी बॉट की रिपोजिटरी को ढूंढने के लिए। तो क्योंकि मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको बिना कोडिंग करे टेलीग्राम बॉट बनाना सिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पे आपको एक ऑलरेडी मेड गिटहब रिपोजिटरी की जरूरत पड़ेगी। अब जिन यूजर्स को यहाँ पे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि गिटहब रिपोजिटरी क्या है, क्यों चाहिए हमें टेलीग्राम बॉट बनाने के लिए, तो मैं उनको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे मोबाइल की एप्लीकेशंस होती है, मोबाइल की जो एप्लीकेशंस होती हैं उन्हें कोडिंग से लिखा जाता है, बनाया जाता है, ताकि वो एक तरह से काम करे जो आपने प्रोग्रामिंग उसके अंदर करी है। ठीक उसी तरह से जो टेलीग्राम बॉट होते हैं उनको भी ऐसी तरह से प्रोग्राम किया जाता है, उनकी कोडिंग करी जाती है। तो क्योंकि हमें कोडिंग नहीं आती है और हम बिना कोडिंग के टेलीग्राम बॉट बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पब्लिक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं हम उनका इस्तेमाल करते हैं अपने टेलीग्राम बॉट को बनाने के लिए। आप बहुत सारे टेलीग्राम ओपन सोर्स कोड्स मेरी गिटहब रिपोजिटरी के ऊपर देख सकते हैं, जो कि मैंने दूसरों की आईडी से कॉपी की हैं, और इन सब रिपोजिटरीज को ही इस्तेमाल करके मैंने अपने टेलीग्राम बॉट्स को क्रिएट करा है। और मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप इन गिटहब रिपोजिटरीज को कैसे ढूंढ सकते हैं जो आपके काम आने वाली हैं। अगर आपने हमारे चैनल ग्रे मैटर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर ले, और आपकी ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दो टेलीग्राम चैनल और एक गिटहब सर्च का लिंक दिया है, जिनका मैं इस्तेमाल करता हूँ किसी भी बॉट की रिपोजिटरी को ढूंढने के लिए। अब मैं कैसे ढूंढता हूँ वो मैं आपको तरीका बताता हूँ अपना। सबसे पहले यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ रेपो हब का। ये एक टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर काफ़ी सारी रिपोजिटरीज आपको यहाँ पे मिल जाती है बॉट के अंदर। अब ये जो चैनल है काफ़ी टाइम से बंद हो चुका है, 20 अगस्त के बाद यहाँ पे कोई रिपोजिटरी के बारे में अपडेट नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे जो पुरानी रिपोजिटरीज पड़ी है आप उन्हें भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टेलीग्राम बॉट्स की रिपोजिटरीज यहाँ पे मिल जाएंगी जिन्हें आप ढूंढ सकते हैं। अब मान लो आपको किसी टेलीग्राम बॉट की रिपोजिटरी चाहिए, तो आपको क्या करना, आपको उसका सर्च करना होगा जिस भी बॉट को आप क्रिएट करना चाहते हैं। मान लो आप किसी रेडिट के बारे में कोई बॉट बनाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे रेडिट करके सर्च करूँगा। तो जैसे मैं रेडिट से रिलेटेड बॉट चाहता था, तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे को यहाँ पे सर्च के अंदर आ चुका है एक रिपोजिटरी जो रेडिट के नाम से यहाँ पे है। तो आपको एक्चुअली क्या करना है कि यहाँ पे आपने थोड़ा कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना सीखना होगा सर्च करने के लिए, कि आपको वो जो चीज़ चाहिए आपको उसी से रिलेटेड चीज़ वहाँ पे सर्च करनी होगी। जैसे टेलीग्राम को अगर आप सर्च करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम को अब ये जो चैनल है इसके अंदर तो सारे आपको टेलीग्राम बॉट्स की रिपोजिटरी मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो अब मैं यहाँ पे कुछ म्यूजिक से रिलेटेड सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे म्यूजिक सर्च करूँगा। अब देखो यहाँ पे कितनी सारी रिपोजिटरीज यहाँ पे आ चुकी हैं जो कि म्यूजिक से रिलेटेड है। आप इन सारी रिपोजिटरीज पे जा सकते हैं, इनका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि भाई ये जो रिपोजिटरी है वो किस लिए है। तो ये तो हो गया कि आप इस चैनल के अंदर से कैसे सर्च करेंगे। अब इसी तरह से एक और चैनल है, एक दूसरा चैनल जिसका नाम है टेलीग्राम ओपन सोर्स। इसके अंदर भी यहाँ पे सारी आपको गिटहब रिपोजिटरीज मिल जाती हैं जो कि टेलीग्राम बॉट्स की ही हैं सारी। आप इन रिपोजिटरीज को देख सकते हैं, इनके डिस्क्रिप्शन जाके विजिट कर लेना। अब मान लो आपको कोई टेलीग्राम मिरर लीक चाहिए या इंस्टाग्राम चाहिए, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम मैंने सर्च कर लिया। इंस्टाग्राम सर्च करा तो देखो यहाँ पे कितनी सारी रिपोजिटरीज आ चुकी हैं। एक आई है भाई इंस्टाग्राम डाउनलोड के नाम से, जो जिस टाइप की आप चीज़ सर्च करना चाहते हैं आपको वो सर्च बार के अंदर सर्च करना होगा, तभी आपको उससे रिलेटेड कंटेंट आपको मिलेगा। मैं जो भी बॉट बनाता हूँ वो इसी तरह से बनाता हूँ, जो भी रिपोजिटरी ढूंढता हूँ, क्योंकि मेरे को कोडिंग नहीं आती है अभी, मैं सीख ही रहा हूँ, तो मैं जितने भी बॉट्स उठाता हूँ वो यहीं से उठाता हूँ। अब मान लो आपको यहाँ पे ये तो लिमिटेड चैनल्स हैं, इनके अंदर कोई भी कंटेंट इनके अंदर डालना होता है। अब इसके बाद आता है सबसे बड़ी चीज़, हम यहाँ पे जाएंगे सीधे गिटहब रिपोजिटरी के सर्च पे। आप इस वेबसाइट पे जाना, ये गिटहब की सर्च बार है, यहाँ पे आप गिटहब की कोई भी रिपोजिटरी को सर्च कर सकते हैं जो कि पब्लिक है। तो आपको जिस कंटेंट से रिलेटेड या जिस चीज़ से रिलेटेड आपको रिपोजिटरी चाहिए वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, आप यहाँ पे टेलीग्राम बॉट बना रहे हैं तो टेलीग्राम बॉट के लिए जो आपको कीवर्ड यूज़ करना होगा, या तो आप टीजी यूज़ करें या फिर आप पूरा यहाँ पे टेलीग्राम डालें, तो वो चीज़ उसके अंदर आ जाएगी। क्योंकि लोग कई बार टेलीग्राम को पूरा भी लिखते हैं और कई बार शॉर्ट में उसे टीजी लिखते हैं, जैसे इंस्टाग्राम को कोई बहुत सारे लोग आईजी के नाम से लिख देते हैं। तो जब मैं टेलीग्राम यहाँ पे सर्च करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 129,527 रिपोजिटरी आ चुकी है जो कि टेलीग्राम के नाम से, या टेलीग्राम नाम उनके अंदर कहीं इंक्लूड है, या तो वो डिस्क्रिप्शन में होगा या उस रिपोजिटरी के अंदर होगा, ठीक
ठीक है। देखो यहाँ पे इस रिपोजिटरी में टेलीग्राम, अच्छा इसके नाम में है, मैं और आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ये एक आईडी है, आप इसके अंदर टेलीग्राम नाम में या रिपोजिटरी में कहीं भी नहीं है, ये यूज़र का नाम है, ये उसकी रिपोजिटरी का नाम है, इसमें कहीं नहीं था, लेकिन डिस्क्रिप्शन में उसने टेलीग्राम डाला हुआ है तो हमें सर्च के अंदर वो आ गया। तो ये तो था, हमने रिपोजिटरी को सर्च कर लिया। अब यहाँ पे आप सेक्शंस भी देख सकते हैं कि आप कोड चाहिए, कमेंट चाहिए, इश्यूज चाहिए। तो बेसिकली आपको जो सबसे पहले सर्च करनी है, हमें भैया रिपोजिटरी चाहिए, तो हम यहाँ पे रिपोजिटरी को ही सर्च करेंगे। रिपोजिटरी आ गई। इसके बाद आप चाहें तो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द जो टेलीग्राम रिपोजिटरीज होती है वो पाइथन के अंदर लिखी जाती है। अब तक मैंने अपने चैनल पर जो भी यूज़ करी है वो ज़्यादातर पाइथन में यूज़ करी गई है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर, यहाँ पे आपको रिपोजिटरी मिल जाएगी। अब जो कंटेंट आपको सर्च करना है, ये तो था अपना टेलीग्राम से रिलेटेड। अब कोई भी जिस भी कंटेंट से रिलेटेड आप अपना बॉट ढूंढना चाहते हो, उसका कंटेंट, उसकी रिपोजिटरी को आपको यहाँ पे ढूंढना होगा, उसके कंटेंट को नाम यहाँ पे डाल के या कीवर्ड को डाल के जो आप ढूंढना चाहते हैं। सपोज करो मैं यूट्यूब से रिलेटेड कोई यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब डालूंगा, YouTube, या फिर आप यहाँ पे YT का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि YouTube को हम YT के नाम से भी डालते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको YT के नाम से ही सर्च करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे YouTube डाला तो यहाँ पे काफ़ी सारी रिपोजिटरीज आ जाएंगी। अब इनके अंदर ये क्या है, ये कई सारी जो है, देखो यहाँ पे रवि वगैरह से बनी हुई है, जो कि टेलीग्राम के लिए नहीं है। तो यहाँ पे मैंने YT डाल के यहाँ पे TG कर दूंगा, तो YT डाला। अब यहाँ पे जितनी भी रिपोजिटरीज आएंगी वो टेलीग्राम YouTube से रिलेटेड आएंगी। तो हमने कौन सी दो कैटेगरियों को मिक्स कर दिया, अब उन्हीं से रिलेटेड आएंगी। तो देखो यहाँ पे YouTube नोटिफाई टेलीग्राम बॉट, इस तरह से कुछ आपको रिपोजिटरी को सर्च करना होगा जिसका आप बॉट बनाना चाहते हो। मोस्ट ऑफ द जो रिपोजिटरीज होती है ना बॉट्स की, वो पब्लिक ही होती है और आपको उन्हें खरीदने की जरूरत नहीं। काफ़ी ज़्यादा टेलीग्राम के ऊपर स्कैम होता है कि यूजर्स पब्लिक रिपोजिटरीज को सेल करते हैं, आप उनके झांसे में ना आए और यहाँ पे पहले उन पब्लिक रिपोजिटरीज को सर्च करने की कोशिश करें, ठीक है। आप इसके बाद, ये तो था कि मैंने आपको सर्च करना बता दिया कि कैसे मैं सर्च करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ फेमस जो डेवलपर्स हैं, जो टेलीग्राम बॉट्स बनाते हैं, उनकी भी मैं यहाँ पे आईडी दे दूंगा, जिनके प्रोजेक्ट्स को मैंने कभी ना कभी अपने टेलीग्राम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर यूज़ करा है। ये वो सारे डेवलपर्स हैं, इनकी आईडी को आप जाके गिटहब के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, इनके आप प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने काफ़ी सारी रिपोजिटरीज बनाई हुई है, आबिर हसन के नाम से ये जो है, और ये हाइमन पिक्चर्स वगैरह, इन्होंने काफ़ी सारी टेलीग्राम से रिलेटेड रिपोजिटरीज यहाँ पे बनाई हुई है। आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, इनकी आईडी को, और इनके रिपोजिटरी सेक्शन में जाकर आप इनके प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं। कोई भी रिपोजिटरी आपके काम आती है तो आप उसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर, आने वाली वीडियोज़ में आपको सिखाऊंगा कि आपको टेलीग्राम बॉट वगैरह डिप्लॉय किस तरह से करने हैं, और अगर किसी रिपोजिटरी के अंदर चेंजेस होने हैं तो वो किस तरह से हम करेंगे, जिस तरह से मैंने एक ये रिपोजिटरी उठा ली, ठीक है। तो ये जो रिपोजिटरी हैं, कई बार ये काफ़ी पुरानी भी होती हैं, और कई जो पुरानी रिपोजिटरीज हैं वो चलती नहीं है, उनके अंदर काफ़ी सारे एरर आते हैं, जिसकी वजह से आप हमारे सपोर्ट ग्रुप में जाके कमेंट करते हैं कि भाई ये इसके अंदर ये एरर आ रहा है, फिर वो सब आप पूछते हो और कोई आपको जवाब देता है, कोई नहीं देता, क्योंकि आपकी पर्सनल हेल्प तो कोई नहीं कर सकता। तो वही सब मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो पहले तो आपको कोई भी रिपोजिटरी जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक बार उसमें ये देख लेना कि वो रिपोजिटरी टाइम टू टाइम अपडेट हो रही है या नहीं। तो आप इसके अंदर देखेंगे, ये जो रिपोजिटरी है इसके अंदर जो लास्ट चेंज आया वो 3 वीक्स पहले आया, मतलब ये जो रिपोजिटरी है करंटली वर्किंग स्टेट में है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन कई सारी रिपोजिटरीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर 2 साल से चेंज नहीं आया है, तो उनके अंदर आपको थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, वो रिपोजिटरीज वर्क कर जाएंगी। किस तरह से करेंगी वो मैं आपको आने वाली अपनी यूट्यूब प्लेलिस्ट की वीडियोस में बताऊंगा। तो आपके लिए मैं इस वीडियो में एक काम देता हूँ आपको, कि आप कोई भी गिटहब रिपोजिटरी जिस तरीके से मैंने आपको बताई है, आप मेरे पास लेकर आए, मेरे को टेलीग्राम पे आपको मैसेज करना होगा कि आप कौन सी रिपोजिटरी का कोई एरर है जिसको आप फिक्स करना चाहते हैं। आप मेरे को कैसे रीच कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको मेरे चैनल ग्रे मैटर्स के ऊपर जाना होगा, तो ये मेरा चैनल है। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको पिन पोस्ट के अंदर मिल जाएगी ये ग्रे मैटर्स कम्युनिटी वाली पोस्ट। इसके अंदर मेरे से रिलेटेड जितना भी कंटेंट वगैरह, जो भी चीज़ यहाँ पे चलती है, मेरे सोशल वगैरह, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा हाउ टू कॉन्टैक्ट ओनर, यहाँ पे जाना और यहाँ पे आपको एक चैनल का लिंक मिलेगा और ये मेरा बॉट है। इस बॉट के थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप अपनी उस रिपोजिटरी को देना जिसके अंदर आपको डिप्लॉयमेंट में एरर आ रहा है, और मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे सही रिपोजिटरी होगी, जो सबसे ज़्यादा यूजफुल होगी और यूज़र्स के लिए भी, मैं उस रिपोजिटरी के एरर्स को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ जो रिपोजिटरी को डिप्लॉयमेंट के टाइम पे आती हैं।
तो हमारी आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।